यही करते ना हम लोग। यस यस, आप अपार्टमेंट में रहते तो बाहर में आपका रूम दरवाजे के बाहर में एक कचरे का डब्बा है, बंद डब्बा, आप उसमें रख देते, कचरा वाला आता है टाइम से ले जाता है। वैसे ही हमारी माए बहन भाइयों, हमारा शरीर का अंदर भी रोज गंदा हो रहा है। yes. जैसा आप पूर्व में सुना कि अशुद्ध हवा से, मिलावटी भोजन, कम पानी पीने से और सही विश्राम न करने से, ऊपर से फिर जो कुछ एलोपैथ की दवाइयां आप लेते हो, yes. जरूर वो हमारा जान बचाता है, लेकिन उसके कुछ दुष्प्रभाव भी मेरे शरीर में रहते, उसके भी टॉक्सिन्स बॉडी में बना रहता, सेल में जाके पड़ा रहता है, तो वो भी हमें नुकसान करता है। yes. सही बात। तो ऐसी स्थिति में मेरा शरीर अगर रोज गंदा होता है, अब रोज साफ करना चाहिए कि नहीं? 100% रोज साफ करना चाहिए। तो ऐसा क्या हम करते हैं? कुछ भी नहीं करते। कुछ लोग घूमने के लिए जाते, कुछ लोग प्राणायाम करते, कुछ दिन करते, कुछ दिन छोड़ देते हैं। लेकिन फिर भी कंटिन्यू प्राणायाम करने वाले के शरीर में भी बहुत सी बीमारियां हैं। यस, क्यों है ये पीछे आपने सुन लिया। यस, तो ऐसी स्थिति में ऐसा क्या है? यहां पर बात पूरा होता है कि डरती है, मैं डराने वाला नहीं हूं, मैं आपको सच से जो मेरे से भूल हो रहा है जाने अनजाने में, उससे मैं आपको अवगत कर रहा हूं। तो जो श्रोता, जो डिस्ट्रीब्यूटर हमारे हैं, वो यही बात लोगों को बताएं कि उनके जीने के जो ये साधन है वो सभी चीज कैसे हैं, अपने आदतवश आपने क्या कर लिया है। सही, और सब चीजों के प्रति तो आप संवेदनशील है, दांत रोज धो लेंगे, साबुन रोज लगा लेंगे, फेयर एंड लवली रोज लगा लेंगे। देखो मैं 60 साल का हूं, शैम्पू लगाएंगे, लेकिन 25 साल के लोगों से भी मैं हाथ मिला सकता हूं। yes. आज इतने दिन TSIP में मेरे हो गए, मैं सुबह से लेकर शाम तक बोलता हूं, गला बजाए क्या? नहीं नहीं नहीं, मेरे को कई दिन, कितने लोग ऐसे हैं जानने वाले, सभी लोग देखते हैं मैं जैसा हूं वैसा ही हूं। क्यों? मैं गैनोडर्मा खाता हूं। क्या गैनोडर्मा है? नए श्रोताओं को मैं बताऊंगा। सो ऐसे स्थिति में ऐसा क्या है एकदम आसान तरीका जिससे मेरे शरीर को स्वस्थ रहने में, जिंदा रहने में, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के, जिंदा रहने में हमको मदद करेगा? यस, इसमें हमारा डॉक्टर लिम सो जिन एक साइंटिस्ट है मलेशिया के, जो भारत में आज हमारा 5 फैक्ट्री के द्वारा कुछ ऐसे उत्पाद बनाए हैं जिनमें रोजमर्रे में हमारा कुछ घर में, बहुत लोग चाय नहीं पीते, बहुत लोग पीते हैं, तो जो लोग चाय पीते हैं, वो जो चाय किसी भी कंपनी का आप पियो कोई बात नहीं है, वो आपकी इच्छा है, लेकिन क्या वह जो चाय पीते हैं उससे आपके शरीर में जितने प्रकार का गंदगी अंदर गया है उसको साफ करता है क्या? नहीं करता। नीलेश जी, नहीं 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 करता। नहीं, नहीं। उसमें हमारा किंग ऑफ हर्ब्स, जड़ी बूटी का राजा गैनोडर्मा, प्लस हमारा ऑर्गेनिक टी, जो चाय है वो 100% ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, नेचुरल हमारा वो चाय है, और उसमें रेसिगेनो डाल, जो वो रेड मशरूम हमारा गैनोडर्मा उसका बॉटनिकल नाम है, जड़ी बूटी का राजा मिला हुआ है। इसके पीने से आपके शरीर में जितने माध्यम से गंदगी गया है, इस तमाम गंदगी को वो क्लीन करता है। जैसे आपका ब्रश से किसी पेस्ट से दांत साफ होता, भिन्न भिन्न तरह के साबुन से शरीर साफ होता, भिन्न भिन्न सर्प से आपके वस्त्र साफ हो जाते, उसी तरह से ये गॉड टी बोलते मैं, वो रेसिगेनो टी गैनोडर्मा से बना हुआ, गैनोडर्मा फॉर जी, फॉर गैनोडर्मा, ओ फॉर ऑर्गेनिक, डी फॉर डीएक्सएन, अर्थात GOD, ये गॉड टी है। गॉड जिस तरह से हमारे लिए कृपा करते हैं, वैसे ये डीएक्सएन का गैनोडर्मा ऑर्गेनिक रेसिगेनो टी हमारे शरीर की संपूर्ण सफाई कर देता है। सुबह से लेकर शाम तक अगर आप एक कप सुबह एक कप शाम को पियो, 100 ml से ज्यादा पानी में बॉयल करके उसमें 2 चुटकी डाल दो और उतार दें, उसको देकर खोलाए नहीं, और फिर उसको यूं एकदम रेड और ब्लैक टी पीजिए, आनंद आ जाएगा। जैसे सर्प एक्सेल आपके सब को सफाई कर देता, वैसे ही हमारा रेसिगेनो टी आपके शरीर के अंदर जितनी गंदगी गया है गैनोडर्मा के माध्यम से, रेसिगेनो के द्वारा वो शरीर से पूरा बाहर निकाल देगा। यही चीज पिछले 25 बरस से 202 कंट्री में ये हमारा उत्पाद डीएक्सएन का प्रोडक्ट लोगों के शरीर को सफाई करते हुए हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस दे रहा है। बहुत बढ़िया। इस तरह से आप इसमें से ढेर सारे प्रोडक्ट हैं, इसका सेवन करें और शरीर के अंदरूनी हिस्से को साफ करें। अब नीलेश जी से मैं पूछूंगा, अगर ये रेसिगेनो टी हमारे शरीर के गंदगी को साफ करता है, तो गंदगी हमारा शरीर में रोज आता है या साल में एक बार आता है बीमार होने के बाद?
रोज आता है ना? रोज आता है, रोज तो साफ रोज करना चाहिए। यस, तो एक कप मात्र 1.5 रुपया लगता है। हाँ। सुबह साफ करें, 1.5 रुपया से शरीर का सफाई शाम को कर लें। अगर शरीर के अंदर में कोई गंदगी नहीं जाएगा तो आप बीमार पड़ेंगे 100% और बीमार कभी नहीं पड़ेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये तो बाहर जगह है तो नई बीमारी नहीं बीमार पड़ेंगे। और अगर आप बीमार हैं, इसका सेवन किए तो जो बीमारी है वो जल्दी ठीक होने में आपको मदद मिलेगा 100%। बहुत तो इसको एक दिन पीना चाहिए, 2 महीना पीना चाहिए या जिंदगी भर पीना चाहिए? हम जिंदगी भर पीना चाहिए। क्या बात है। तो यही चीज मित्रों आपने लोगों को बताने का कि रोज शरीर गंदा होता है तो आप रोज साफ करते हो बाहरी हिस्से का, और शरीर का अंदर जो इतने माध्यम से गंदगी हम फैला रहे हैं, आदत नहीं बदलेंगे, दारू पीना नहीं छोड़ेंगे, पुड़िया खाना नहीं छोड़ेंगे, सिगरेट पीना नहीं छोड़ेंगे, तंबाकू खाना नहीं छोड़ेंगे। लेकिन यह चौथा प्रश्न जो हमारा है, हम जीवन से क्या चाहते हैं, अभी उस पर बात करेंगे ना। जीवन से क्या चाहते हैं कि हम बीमार ना पड़े, संभव है कभी? इसलिए सात्विक जीवन जीने वाले भी जो मीट मछली अंडा तंबाकू सिगरेट नहीं खाते, सात्विक जीवन जीते, नाम ध्यान आराधना प्रार्थना सब करते, लेकिन उनको डायबिटीज है। यस, वो योगा प्राणायाम सब करते और उनको हाई ब्लड प्रेशर है। सही बात है। और जिनको नहीं है उनको परमात्मा की बड़ी कृपा है, ऐसा मैं नहीं कहता कि सभी को है, लेकिन औसत हम आम लोगों के शरीर में इन तमाम चीजों का घर बन गया है। ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, हार्ट में प्रॉब्लम है, यूरिक एसिड है, थायराइड की समस्या बन गई, पाचन क्रिया स्थिति ठीक नहीं है, कॉन्स्टिपेशन है, क्या कहते हैं, एसिडिटी है, हाइपर एसिडिटी बन गया, एक्स वाई जेड। यस, बहुत है। शरीर बहुत के अंदर में टॉक्सिन गया तो पता नहीं आपको क्या क्या बीमारी होएगा। तो ऐसे स्थिति में अगर इतने तीनों चीज गलत पेट्रोल डालोगे इस भगवान के बने हुए इंजन में तो आप कभी स्वस्थ रहोगे क्या? नहीं रहोगे। हमारा डीएक्सएन का ये रेसिगनो टी, टी जो नहीं पीते वो कॉफी लें, कॉफी नहीं पीते हैं तो कोकोजी पिए, कोकोजी नहीं खाते हैं इसका उत्पाद 100% गेनोडर्मा आरजीजीएल खाएं, स्पिरुलिना खाएं, इसका और भी हमारा एक नोनिंजी है उसको पिए या तो उसको पिए, कुछ भी एक उत्पाद खाकर अपने शरीर के अंदर होने वाले उथल पुथल को शांत करके जीवन स्वस्थ बनाए। तो शरीर स्वस्थ रहेगा तो सभी चीज स्वस्थ रहेंगे। और ये जो मध्य प्रदेश जो हमारा पेट है, ये मध्य प्रदेश ठीक रहेगा तो वो शरीर सभी प्रदेश हमारे ठीक ठाक रहेंगे। तो इस तरह से पहले खाइए, उसका अनुभूति लीजिए, इसी अनुभूति को आप 10 लोगों को बताइए, 10 लोगों को बताएंगे 100 लोग तक जाएगा, 100 लोग से 1000 लोग तक जाएगा और आपका वेल्थ भी बढ़ेगा, आपका हेल्थ बढ़ा। इसलिए पहले खाइए, फिर लोगों को खिलाइए और भरपूर धन और स्वास्थ्य कमाइए। थैंक यू, आप इतना वक्त दिए, इसलिए मैं कहता हूं खाओ खाओ खिलाओ खिलाओ और भरपूर धन कमाओ कमाओ कमाओ। इतना वक्त आप लोगों ने दिया, धन्यवाद। ओके, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। मैं ये कहना चाहता हूं बहुत बढ़िया, हम अभी इस मेनली स्वस्थ हमारा ये हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस के बारे में बहुत अच्छा बताया, बहुत है अभी वीडियो करने का, बहुत है अभी हम लोग अभी फिर आते हैं इसके बाद, और बहुत नॉलेज बहुत है हमारा जेपी लाल पे, बहुत है इसके बारे में फिर हम चर्चा करेंगे, और बहुत अभी कमाल के वो सिस्टम है वो लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।